तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नया वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आधार एनपीसीआई के साथ आप किस प्रकार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में डीबीटी लिंक कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके पहले से ही कोई बैंक अकाउंट आधार एनपीसीआई के साथ लिंक है और आप उस बैंक अकाउंट की जगह यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, उसको लिंक करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ही देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में आधार एनपीसीआई के साथ डीबीटी लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप का किसी भी एक ब्राउजर को इस तरह ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यूनियन बैंक एनपीसीआई लिंक। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आने के बाद सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है चेक योर आधार कार्ड लिंक स्टेटस हियर, आपको क्या करना है इसके ऊपर इस तरह क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चेक योर आधार लिंक स्टेटस एंड आधार ऑथेंटिकेशन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारे बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक है, तो ये सबसे पहले हम चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली चेक योर आधार लिंक स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस पेज पे आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप अपने यूनियन बैंक का 15 डिजिट अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है और कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली सबमिट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं योर यूनियन बैंक अकाउंट नंबर इज लिंक्ड विद योर आधार नंबर, यानी मेरा जो यूनियन बैंक अकाउंट है वो आधार नंबर से लिंक्ड है। तो चलिए अब हम चेक करेंगे क्या यूनियन बैंक अकाउंट के साथ एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। तो एनपीसीआई लिंक है या नहीं है इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस पेज पे आने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे आधार नंबर को, आधार नंबर फिल करने के बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करना है। तो हम इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली गेट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि आधार नंबर इज नॉट शेडेड विथ बैंक, प्लीज कॉन्टेक्ट आवर नियरेस्ट ब्रांच, यानी मेरा जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई के साथ लिंक नहीं है। और अगर आपकी यूनियन बैंक अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक है तो यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ओटीपी डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि आपके जो यूनियन बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई के साथ लिंक है, ठीक है। और अगर आपके अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक नहीं है तो यहाँ पे इस तरह बताएगा आधार नंबर इज नॉट शेडेड विद बैंक। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक तो है लेकिन एनपीसीआई के साथ ये बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को आप किस प्रकार से आधार एनपीसीआई के साथ डीबीटी लिंक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रकार से एक नए ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यूनियन बैंक एनपीसीआई डीबीटी लिंक। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार से नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे आपको एक लिंक देखने को मिलेंगे न्यू आधार शीडिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म शो हो जाएगा, इसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद कोई भी साइबर कैफे से इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। और इस फॉर्म को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में यहाँ पे लिखे हुए हैं। इस फॉर्म को आपको अच्छा से फिल कर लेना है। तो सबसे ऊपर यहाँ पे आप अपना ब्रांच का नाम फिल करना है, आपका ब्रांच कहाँ पे है यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आपको फिल करना है, उनका फादर नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, वो कहाँ का निवासी है यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल करना है और इसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। इसके बाद और स्क्रॉल करना है, दोबारा यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है, ठीक है। और इसके बाद और नीचे आना है और यहाँ पे अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे एक ईमेल आईडी फिल करना है, ठीक है।
इसके बाद सीधा नीचे आना है और यहाँ पे उनका एक साइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का एक साइन लगेगा, इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे आएगा, इसके बाद उनका फादर नेम यहाँ पे आएगा, उनका जो अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, उनका जो भी एड्रेस है एड्रेस को यहाँ पे आपको फिल करना है, इसके बाद नीचे बैंक का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। और इस फॉर्म को पूरी तरह से फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपका यूनियन बैंक का जो होम ब्रांच है होम ब्रांच में जाके इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। और फॉर्म को सबमिट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी यूनियन बैंक अकाउंट को आधार एनपीसी के साथ डीबीटी लिंक कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद,